एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने संडे को सिटीजन्स कर्फ्यू की बात करी है। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार की किसी भी प्रयास का पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता इसका हम सहयोग करेंगे, लेकिन सरकार से हमारा अनुरोध है कि आगे आने वाले समय में अगर जैसे कई और देशों के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन होता है, या अभी जैसे हमारे देश के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं शुरू हुआ है, अभी हमारे देश में जो अभी सुनने में आ रहा है, जो अभी है कि बाहर से जो लोग आए हैं वही अपने साथ लेकर के आए हैं, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जिस वक्त शुरू होगा या जिस वक्त सरकार कंप्लीट लॉकडाउन पे अगर जाएगी तो उसकी तैयारी सरकार को अभी से ही करनी चाहिए। उसके लिए सरकार को अभी से ही तैयारी करनी चाहिए कि कैसे एसेंशियल सर्विसेज, जरूरत जरूरी चीज़ें जैसे पानी की, बिजली की, टेलीकम्युनिकेशन जिसमें इंटरनेट भी है, फ्यूल तेल जो हम लोगों का है, या मेडिसिंस या खाने पीने की चीज़ें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खास तौर पे जो इन एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करते हैं, इन सब लोगों के लिए कैसे इसको सुनिश्चित किया जाए कि ये सारी चीज़ें मिलें। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि कंप्लीट लॉकडाउन की तैयारी, अगर कभी भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति ऐसी समय पे आ जाए तो उसकी तैयारी सरकार को अभी से ही करनी चाहिए, और ये हम सरकार से अनुरोध करते हैं। साथ ही साथ में ऐसी स्थिति जबकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाए, लॉकआउट करे, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित इसके अंदर लोग वो होते हैं जो कि स्लम्स में, झुग्गियों में रहते हैं या उन क्लस्टर्स में रहते हैं जहाँ पे बहुत नज़दीक लोगों को रहना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी है, लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी जिन क्लस्टर्स के अंदर, जिन झुग्गियों के अंदर, जिन जगहों पर लोग ऑलरेडी बहुत नज़दीक रहते हैं, वहाँ के ऊपर विशेष ध्यान लोगों का ज़रूर देना चाहिए, और ख़ास तौर के ऊपर ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पर कि मान लीजिए लंबे समय तक के अगर एक तरीके से क्लोज करना पड़ जाए, पूरी की पूरी सब चीज़ें बंद हो जाएं, तो ऐसी जगहों के ऊपर ये लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो गरीब हैं, जिन लोगों के पास में अपने दो दिन का भी खाना अपने घर के अंदर राशन ना रख पाए, ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि सरकार इन सब लोगों के लिए अभी से ही एडवांस प्लानिंग करे, यह हमारी सरकार से इंतजा है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देगी। इसके साथ में जो हमारे बाहर फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं, जहाँ पर महामारी जहाँ पे ज़्यादा फैली हुई है, सरकार बहुत जगहों से लेकर के आई है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि उनकी तरफ भी ध्यान दे करके वहाँ से भी लोगों को वापस लेकर के आएँ।